सब क्या तोड़ रहे देखो। ए गुरकी देखो कितना स्माइल कर रही है, और अरुण को देखो। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, और मेरा जो ब्लॉग है गाइज वो कुछ दिनों तक जो है यहाँ गांव का होने वाला है, क्योंकि मैं बिहार आया हुआ हूँ अपने मामा के लड़के की शादी में। तो यहाँ जो ब्लॉग्स मैं बनाऊँगा वो सारे गांव के ही होंगे, तो आपको इस तरह का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ गाइज कि आपको इस तरह का जो वीडियो है वो पसंद आएगा। आज दोस्तों दिव्यांश को जो है गाँव में घुमाने लेके आए हैं। देखिए गाँव का नज़ारा जो है, सनसेट, पूरा खेत खलियान जो है खाली है। बकरी है, बकरी है, बहुत सारा बकरी मिलेगा। चलो दिखाऊंगा बकरी, बहुत सारा बकरी है। तो ये गांव का गाइस जो है ये तालाब है छोटा सा, और अभी हम जो चल रहे हैं अपने खेत की तरफ, तो वहां पे दिखाते हैं कि हमारी मौसी वगैरह जो है क्या तोड़ रही है खेत में, वो सब आप देखेंगे। दोबारा करो, एक बार और झूला झूलो, ये फर्स्ट क्लास। स्टार्ट तो करो, स्टार्ट। सनसेट साफ दिखा दिए। अरे सिया तू क्या करने आया यहाँ पे, क्या करने आया है, क्या देखने? हाँ बकरी मिला कि नहीं मिला? एक भी मिला नहीं मिला, एक भी मिला नहीं। देखो सब क्या तोड़ रहे देखो। ए गुरकी देखो कितना स्माइल कर रही है, और अरुण को देखो। इधर अमुआ भी आएगा उसका कैसे फोटो। ले जा ले जा देखो अप्पू, इधर देखो, इधर लेके आओ बकरी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देखिए हम डेंगरी पर चढ़ रहे हैं जो यहाँ पे है। इस तरफ जो है पानी भरा हुआ है तालाब का, और इस तरफ भी है, तो थोड़ा सा जगह है ये चलने के लिए जो हम यहाँ से चढ़ रहे हैं। पूरा खेत वगैरह जो है हम ये सारा चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, और ये हमारे भाई सब हैं तीनों जो आगे चल रहे हैं। तो अभी शाम हो चुका है, सूरज भी ढल चुका है। तो दोस्तों आज हम बताते हैं आपको कि ये जो बैठने वाला यहाँ पे बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है, और सामने जो है ये तालाब टाइप का है। तो अनुराग और ये जो दीपक बताएंगे इसके बारे में। बताओ भाई ये क्यों बनाया गया है यहाँ पे? तो इन लोगों का लगता है जो देखने के लिए कुछ, बताओ आप बताओ ये बैठने के लिए और ये तालाब किस लिए है? ये तालाब है मछली पालने के लिए, और ये बना है जो जो इसके मालिक होते हैं वो रखवाली करते हैं इसकी, कि मछली कोई लेना जाए पकड़ कर। इसमें पूरे पानी में मछली को पाला जाता है, सांप भी होते हैं इसमें। सांप भी होते हैं करके दिखाइए, सांप होंगे एक दो।